कोई बहुत दिन नहीं हुए जब शाहरुख खान ने फिल्म शौर्य के लिए अपनी आवाज में एक कविता रिकॉर्ड की थी और अब बारी मनोज बाजपेयी की थी। मौका तो था एक पेंटिंग एग्जीबिशन का, लेकिन मनोज ने पढ़ डाली एक कविता। अब आप भी सुन लीजिए उस कविता को। धरा से आकाश तक खींच सतरंगी लकीरें, चलती रहे अनवरत मेरी धुरी, जीवन के रंगों को समेटे उतरे चंद्र किरण के साथ पंच कला सरिता। मनोज बाजपेयी को हमने एक्टिंग करते तो कई बार देखा है, लेकिन उन्हें कविता पढ़ते देखना आम नजारा नहीं है। मनोज ने मुंबई के पेंटर और कवि किरण चोपड़ा के पेंटिंग एग्जीबिशन में उनकी ही लिखी कविता पढ़ी। तो मनोज को कितना शौक है पेंटिंग और कविता का? थिएटर के समय से, क्योंकि हमारे बहुत सारे पेंटर दोस्त भी थे और उसमें से आजकल तो बहुत ही बड़े बड़े हो गए। सुना है कि करोड़ों में उनकी पेंटिंग बिकती है, जैसे सुबोध वगैरह हैं। उनके संगत से मैंने बहुत सीखा। किरण चोपड़ा की ये 25वीं पेंटिंग एग्जीबिशन है। उन्हें दो बार इस क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। किरण के इस एग्जीबिशन में उनका थीम औरत थी और ये बात मनोज बाजपेयी ने भी सराही। तो क्या है इस थीम को रखने की वजह? मेरे ज्यादातर शोज वुमन ओरिएंटेड ही रहे हैं, क्योंकि हमारे कहें तो संसार में ही औरत की काफी बड़ी भूमिका रही है। हर फील्ड में ही आज वो कामयाब है, इसलिए मैं वुमन को लेती हूँ अपनी पेंटिंग। आज के दौर में भारतीय कला दुनिया भर में अपनी जगह बना चुकी है। भारत के ढेर सारे राइटर्स, पेंटर्स और म्यूजिशियंस को दुनिया की जानी मानी मंचों पर जगह मिलने लगी है। बावजूद इसके उनको अपनी पेंटिंग्स या कविताओं को लोगों की नजरों में लाने के लिए सहारा लेना पड़ता है मनोज जैसे फिल्मी सितारों का। आरती दानी, मुंबई, News 24। और फिल्मी खबरों में बाकी है बहुत कुछ और, आप देखते रहिए होम थिएटर।